और कोर कमांडर्स ने वीडियो लिंक के जरिए इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इसी पर बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। एजाज आगाह कीजिएगा। डीआईएसपीआर की जानिब से सबसे थोड़ी देर पहले ये बताया गया है कि माहाना कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस आज जनरल जावेद बाजवा की सदारत हुई। तमाम मुतालिका कोर कमांडर्स ने अपने अपने हेडक्वार्टर से वीडियो लिंक के जरिए कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इजलास में रीजनल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट, पाकिस्तान का जो नेशनल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है, पाकिस्तान को जो स्पेक्ट्रम दरपेश है और खासतौर पर नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, उस पर बातचीत की गई। लेकिन अंदरूनी जो दाखिली सूरत हाल है, खासतौर पर कोविड-19 कोरोना वायरस के हवाले से जो सूरत हाल पैदा हुई है, उसके साथ मिटिगेशन की जो कोशिशें, उनका तफसील के साथ जायजा लिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इस मौके पर यह कहना था कि मुल्क की दाखिली और खारजी सलामती किससे तवज्जो नहीं हटाई जा सकती, लेकिन इस मुश्किल वक्त में जब पूरी पाकिस्तानी कौम और तमाम सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत कोरोना वायरस से लड़ रही हैं, पाक फौज भी उनके साथ शाना बशाना खड़ी है, किसी एक पाकिस्तानी फर्ज को भी तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। जो जरूरी इकदाम है पाक फौज वो उठा रही है, तिबी आलात की फरहमी भी जारी है, मास्क और जो दीगर जरूरी अशिया है उनकी फरहमी भी जारी है, और पाक फौज अपना ये काम पूरी तंदई से अंजाम दी। अहम खबर से आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया।